नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। हम बात करने वाले हैं नॉर्सेट के बारे में। आप लोग में से कईयों ने नॉर्सेट के बारे में कहीं से सुना होगा और जाना होगा, लेकिन आज हमारे इस चैनल पे हम लोग नॉर्सेट से संबंधित सारे अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे आप लोग को। तो चलिए बात करते हैं नॉर्सेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब भरा जाता है, इसके लिए एज क्या होना चाहिए और इसकी सैलरी कितनी होती है। ये सब सवालों के जवाब पाने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो चलिए बात करते हैं नॉर्सेट के बारे में। तो नॉर्सेट का फुल फॉर्म होता है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि हर साल एम्स के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। इस एग्जाम को देने की योग्यता क्या होनी चाहिए, मींस आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। तो जिन लोगों ने जीएनएम किया है, मींस कि जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी किया है, उनको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एक 50 बेडेड हॉस्पिटल में। किसी भी 50 बेडेड हॉस्पिटल में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और वो एक्सपीरियंस उनका रजिस्ट्रेशन होने के बाद से ही गिना जाएगा। मींस कि अगर उन्होंने पास आउट कर लिया है मई में अपना एग्जाम और उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है दिसंबर में, तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो दिसंबर से ही गिना जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के बारे में। तो ऐसे लोग जिन्होंने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है और बीएससी नर्सिंग किया है, ऐसे लोग रजिस्ट्रेशन के बाद इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं और नॉर्सेट एग्जाम में बैठ सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 3,000 रुपए की आवश्यकता होगी। और अगर आप एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपको 2,400 रुपए की आवश्यकता पड़ेगी इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके लिए एज क्या होनी चाहिए। तो आपकी एज 18 से 30 साल की होनी चाहिए और इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 3 साल का मिलता है और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 साल का मिलता है। वहीं जो लोग पीडब्ल्यूपीडी मींस की पर्सन विद अ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ऐसे लोग जिनको कुछ डिसेबिलिटी होती है, उनको 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। बहुतों लोग को पता होगा कि 80-20 रेशियो क्या होता है। सरकार मींस हमारी गवर्नमेंट सोच रही है इस 80-20 रेशियो को हटाने के लिए, क्योंकि बहुत बात विवाद चल रहा है इस 80-20 रेशियो के लिए। जो लेकिन तो अभी हमारा हाल में 2022 का एम्स हुआ है, मींस नॉर्सेट एग्जाम हुआ है, उसमें ये क्राइटेरिया फॉलो की गई है। आगे भी की जाएगी पता नहीं, मींस देखते हैं क्या होने वाला है। तो 80% जो सीट है वो रिजर्व होती है फीमेल के लिए और 20% सीट रिजर्व होती है मेल के लिए। तो ये होता है हमारा 80-20 रेशियो। ये रही सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पेपर। पेपर कैसे आता है और वो कितने नंबरों का आता है, ये बात आप लोग के दिमाग में चली रही होगी कि पेपर जो होता है वो 200 मार्क्स का आता है, मींस कि 200 नंबरों का आता है और 200 नंबर एमसीक्यू, मींस एक मार्क्स जो एक क्वेश्चन जो होता है वो एक नंबर का होता है, जिसमें 180 क्वेश्चन जो होते हैं वो नर्सिंग रिलेटेड होते हैं, मींस कि हमारे सब्जेक्ट बेस पे होते हैं, और 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो जीके के होते हैं या फिर एप्टीट्यूड के होते हैं या फिर करंट अफेयर्स के होते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो 20 मार्क्स के होते हैं ये रैंडम क्वेश्चन होते हैं, जीके एप्टीट्यूड रीजनिंग मैथ्स कहीं से भी आ सकता है। लेकिन जो हमारे 180 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं वो नर्सिंग रिलेटेड ही होते हैं, जिनको पाना हमारे बस की बात होती है, मींस कि उसको हम पढ़ के पा सकते हैं। अगर निगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो 1/3 जो होता है हर एक क्वेश्चन रॉन्ग आंसर पे निगेटिव मार्किंग होती है। जैसे कि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत लिखा है तो उस पर आपके एक नंबर कटेंगे। अगर आपने 3 गलत आंसर दिए हैं तो उसमें आपका एक नंबर कटेगा। ये होती है निगेटिव मार्किंग, जो कि हमारे नॉर्सेट के एग्जाम्स में होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो क्वालिफाइंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं। तो जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो 50%, ओबीसी से आते हैं तो 45%, एससी एसटी से आते हैं तो 40%, और अगर आप ओबीसी प्लस पीडब्ल्यूबीडी से है, मींस की पर्सन विद द बेनिफिट मार्क्स डिसेबिलिटी, अगर किसी पर्सन को कोई डिसेबिलिटी है तो उसको 40% मार्क्स की जरूरत होती है। ये आप सोच रहे होंगे कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होते हैं, तो मैं बता देती हूँ आप लोग को। ये क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं कि अगर आप नॉर्सेट के एग्जाम में, नॉर्सेट की परीक्षा में अगर आप क्वालिफाइड है फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो आपको विद इन ईयर ये सिलेक्शन मिल सकता है। मिलने की संभावना होती है अगर कहीं सीट खाली आती है या फिर कुछ ऐसी सूचनाएं निकलती हैं तो वहां पे आपकी भर्ती हो सकती है, वहां वैकेंट सीट पे आपको लिया जा सकता है। जैसा कि हम सबके मन में एक सवाल तो रहता है कि इसकी सैलरी कितनी होगी, तो स्टार्टिंग में इसकी सैलरी 35,000 से
36,000 या फिर 35,000 से ग्रेड पे शुरू होता है और बाद में 45,000 तक हो जाता है और बाद में इसकी सैलरी बढ़ के 60,000 to 80,000 तक हो जाती है, जिसमें सभी अलाउंस भी होती है। कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं? ट्रांसपोर्ट के, फियरनेस के, हाउसिंग के, रेंट के और ट्रैवल के, और भी बहुत सारे अलाउंस हैं जो कि एक नर्स को, नर्स ऑफिसर को मिलता है। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अगर आपको इससे संबंधित और भी जानकारी चाहिए, अगर आपको कोई अभी भी कुछ डाउट रह गया है, तो अपना सवाल कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। धन्यवाद।